क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ओए होए, बड़े चीखम पुकार हो रही है क्योंकि आज जरा खाली लेडीज नहीं है, जेंट्स भी हैं, तो यहाँ कपल्स बैठे हुए हैं। वैसे अगर हम जज्बात की बात करें और एक्सप्रेशंस की बात करें तो ख्वातीन बड़ी लाउड होती हैं। हंसना, रोना, खाना पीना, रूठना, मनाना, गुस्सा, नाराजगी, शिकायत करना, शिकवे करना, शर्माना, डरना, घबराना, ये वो सारे एक्सप्रेशन हैं जो ख्वातीन बहुत ही ज़्यादा लाउडली एक्सप्रेस कर देती हैं। मर्दों के एक्सप्रेशन ये होते हैं लेकिन उनके थोड़े से सिमटे हुए होते हैं, मगर ये वो सारे एक्सप्रेशन है जो एक शख्स दूसरे शख्स से शेयर करता है जब उसकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज आता है, यानी कि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने एक्सप्रेशंस को एक दूसरे अपने स्पाउस के साथ शेयर करता है। कहते हैं कि लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है जब उसकी शादी होती है, 360 डिग्री का चेंज आता है, मगर मैं कहती हूँ सिर्फ लड़की की नहीं, लड़के की भी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। एक साथ रहना, अपनी हर चीज़ को एक दूसरे से शेयर करना, अपने ख्वाब और अपने स्पाउस के ख्वाब एक साथ मिलकर देखना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि अपने बराबर वाले यानी अपने साथी के बारे में भी सोचना, ये हम सबकी जिंदगी में होता है। मगर हर कपल्स की अलग अलग सोचें होती हैं, मगर एक कॉमन सोच जो हर कपल की सोच होती है वो ये होती है, मर्द सोचता है मैं कमा के लाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, फिर रात को घर वापस आता हूँ, घर का होम मिनिस्टर मैं हूं, मेरी चलेगी, मेरी पसंद का खाना बनेगा। और ख्वातीन क्या कहती है, आप तो चले जाते हैं अपने ऑफिस, मैं सुबह से लेकर रात तक घर संभालती रहती हूँ, खाना, कपड़े, सफाई और बाकी के सारे काम मैं करती हूँ, तो घर की सारी चीजों में हुक्म तो मेरा ही चलेगा। अंदर अंदर कह रही होती है बेचारियां कि घर की होम मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगी, और फिर कामयाब जिंदगी का क्रेडिट अपने दिल के अंदर तो फिर सब अपने आप को ही दे रहे होते हैं ना। मर्द कहता भाई मेरी वजह से हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की, औरत कहती अगर मैं ना होती इनको घर का सुकून कैसे मैसर होता, तो सब कुछ जो भी हुआ है आज ये जहां तक पहुंचे उसमें मेरा हाथ है, यानी कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो मैं हूं। मगर वो कहते हैं ना कि जैसे एक गाड़ी के चार पहिए होते हैं और उनके बैलेंस के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह आपकी ज़िंदगी की गाड़ियां भी आप दोनों के बैलेंस के बगैर नहीं चल सकती। जहां ज़रा सा बैलेंस डगमगाया सामने गटर गिर जाएगी गाड़ी। वाकई ज़िंदगी कुछ इसी तरह का नाम है। वैसे हम सबके अलग अलग ओपिनियंस भी होते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियंस भी होते हैं शादी से पहले, और बहुत सारे कपल्स शादी के बाद भी कुछ नया सोचते हैं। अब नया साल आ गया है, इस नए साल के हवाले से हर किसी के नए प्लान्स हैं, यासर के, मेरे हस्बैंड के अलग प्लान्स हैं, मेरे अलग प्लान्स हैं, मगर उन अलग अलग प्लान्स के बावजूद हमारे कुछ साथ प्लान्स भी हैं। यानी कि अगर अलग प्लान्स वो सोचते हैं कि बस मैं फिल्मों पे फिल्में बनाते जाऊं, मैं सोचती हूं कि मैं अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स आपके सामने लेकर आऊं, कुछ डिफरेंट करके दिखाऊं, इस साल कुछ नया करेंगे हम अपने शो पे, तो हम दोनों के इंडिविजुअल प्लान्स के अलावा हमारे जो बाहमी प्लान्स हैं, यानी कि जो एक दूसरे के साथ हमने शेयर किए प्लान्स, वो ये हैं कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई पर डांटेंगे नहीं, बहुत डांटने लगे थे हम बच्चों को पढ़ाई पर, यासर गुस्से में चीखेगा नहीं, मैं भी गुस्से में चीखूंगी नहीं, वो जल्दी घर आएंगे, तो कुछ इस तरह के प्लान्स हमने इकट्ठे मिलकर भी बनाए हैं। मगर हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आपसे शेयर करने की कोशिश की है और हमारा काम आप तक पहुंचाना है। आइए ये देखते हैं कि बुशरा अंसारी क्या सोचती हैं कि उन्होंने इस नए साल के जो ये जो नया साल शुरू हुआ है इसमें इन्होंने क्या चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में, आइए देखते हैं। बस अगले साल के लिए अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक खैरियत सलामती दे दे, बाकी बिजली पानी का तो झूठे वादा करने वाले झूठे वादा ही करेंगे, बस जिंदगी सलामती दे दे लोगों को, लोगों के अंदर इंसानियत दे दे, और बस यही चाहिए। जी तो आइए देखते हैं कि अदनान सिद्दीकी क्या सोच रहे हैं कि आने वाला नया साल उनकी जिंदगी में क्या चेंज लेकर आएगा, आइए सुनते हैं। साल की तरह आता है और गुजर जाता है, और हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, और सिर्फ रेजोल्यूशन इसलिए बनाते हैं कि हमने कहना होता है, उसमें कोई अमल अमली जामा नहीं बनाया जाता है, तो
इस दफा मैंने ये सोचा है कि यार एक ऐसा काम किया जाए कि बाकी वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लगे. And I'm going to tell them what a responsible Pakistani is all of us. हम अच्छे पाकिस्तानी कैसे बन सकते हैं. और एक सच से जो एक सच है जो बच्चों के साथ बोला जाए, कोई भी फोन आए या कोई भी शख्स आए, आपने सच बोलना है. हमारी प्यारी सी सरबत गिलानी क्या सोचती है कि आगे आने वाला नया साल क्या करने वाली है, देखते हैं. मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस साल मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करूंगी और सॉरी आसानी से कह सकूं. क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ सॉरी, बट ये अच्छी बात नहीं. अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए और सॉरी कहना चाहिए. ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है. हाँ जी, देखिए कि आपके फेवरेट इमरान अब्बास, हमारे हीरो, क्या कहते हैं नए साल के बारे में, क्या चेंज करेंगे वो अपने अंदर. मेरा ख्याल है कि वो बहुत छोटे होते थे, जब ये कॉलेज लाइफ में होते थे तब ये लगता था कि हाँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा और नए साल में हम कुछ करेंगे. आई थिंक जो पिछले साल जो मैंने सोचा था वही मैं कंटिन्यू करूँ तो ही बहुत है. और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने से लोगों को कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है. आपका काम और आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो नजर आनी चाहिए और लोगों को आपके काम के थ्रू पता चलना चाहिए कि आपने इस साल में क्या सोचा था करने के लिए और आपने क्या करके दिखाया. और हमारे एक और हीरो होस्ट, बहुत ही प्यारे दोस्त असफर रहमान, क्या सोचते हैं 2017 के हवाले से कि वो क्या चेंज करेंगे अपने अंदर. देखें, मेरा जो साल का रेजोल्यूशन है, मैं इस साल स्पेन जरूर जाऊंगा. मैं 4 साल से स्पेन जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा. बट इस साल मैं स्पेन में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ये मेरा न्यू रेजोल्यूशन है. मैं इस साल जिम जाऊंगा. और तीसरा ये कि मैं इस साल की मेरी रेजोल्यूशन है, मैं हर साल वोट देता था जाके, हर साल. इस साल मेरी रेजोल्यूशन है कि मैं वोट नहीं दूंगा किसी को. जी तो ये है कुछ खूबसूरत बातें हैं जो तोहफे के तौर पे हमने आपको सुनाई. मगर एक और तोहफा जो फिजिकली मैं आपको देना चाहती हूँ, वो तोहफा मैं आपको दूंगी मीठे मिठास की शक्ल में, यानी कैडबरी चॉकलेट्स में आपको देने वाली हूँ अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब दें. हर किसी के बच्चे, हर किसी के बड़े घर में कैडबरी खा रहे होते हैं. कैडबरी डेयरी मिल्क की टैगलाइन क्या है, अगर जिसको सबको पता है. खैर मेरे पास भी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं. हाँ जी बताइए, बा आवाज़ें बुलंद, क्या बात है, बांट लो. आप बांट लें प्लीज, जरा टोकरी से जरा बंटवारा कर लें उधर. और नेक्स्ट सवाल का जवाब, कैडबरी डेयरी मिल्क की खासियत तीन लफ्जों में बताएं. हाँ भाई माइक तो दे दें. हाँ जी बताएं. क्रीमी, 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 स्मूथ, लग्जीरियस. क्या बात, बांट ले, जबरदस्त, बहुत प्यारी ऑडियंस. चॉकलेट्स क्या बंटवा दी, यहाँ तो जुम्मा बाजार लग गया, शोर हो गया. अच्छा आज हमारे प्रोग्राम में खामोशी, आज हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है मैं अभी नहीं बता सकती. मंगल बाजार शुरू हो गया है, यहाँ पे जुम्मा बाजार शुरू हो गया. एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ क्या होने वाला है. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और जनाब अब मैं बताती हूँ, अब हमारी आवाम ने चॉकलेट्स खा ली हैं, दकार भी ले ली हैं, वो चुप हैं, इंतज़ार में हैं कि जो आगे उनके लिए तोहफे हम लेकर आने वाले हैं वो क्या है. और जाहिर है
आपके लिए हमारे तोहफे होते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो किसी और की बीवियां हैं और किसी और के मियां हैं, मगर यहाँ उनको साथ टीम अप इसलिए किया है क्योंकि जब हम मियां बीवी को एक साथ बुलाते हैं ना तो मियां बीवी के प्यार में कुछ बोल नहीं पाते और बीवियां मियां के प्यार में कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि घर से वो तैयारी करके आई हुई होती। देखो स्क्रीन पर जो है ना आके कोई इस तरह की उल्टी पुल्टी बात नहीं करनी है, इसीलिए हमने फैसला किया कि मुकाबला एक मियां बीवी के दरमियान नहीं होगा, किसी और की बीवियां होंगी, किसी और के मियां होंगे और उनके दरमियान होगा। और मुकाबला ये है, ये चेयर इस बात का सबूत है कि कौन बनेगा घर का होम मिनिस्टर, क्या लड़कियां बीवियां या शौहर। आइए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है तो मैं पहले अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियों को बुलाना शुरू करूँ जो मेरे साथ मौजूद है। मैं अब बुलाने वाली हूँ एक ऐसी बीवी को जो कोशिश करती है घर का सारा काम वो खुद करवा के निकले, बच्चे को संभाले, मेड्स होने के बावजूद भी खुद बर्तन धोने के लिए किचन में खड़ी हो जाती हैं, दावतें एक से एक, खाना मज़ेदार पकाती हैं। और बीवी है वो कैसी है, बड़ी उनका उनका जो घर का सिस्टम है उनके हाथ में है उसका होल्ड, बड़ी सलीकाशार हैं, मगर मियाँ उनके बारे में क्या कहते हैं आइए उनसे सुनते हैं। वेलकम करते हैं आलिया इमाम। देखा बहुत दिन बाद मुलाकात, बहुत दिन बाद मुलाकात, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे मिस किया। आपके मियाँ आपके लिए आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या उन्होंने नाम कोई रखा है? उनका बस नहीं चलता, दिन में 100-100 नाम रखे, बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और अंडरस्टैंडिंग का आलम ये कि वो जो भी नाम ले मैं पहचान जाती हूँ, मुझे ही बुलाया जा रहा है। अच्छा वाह भाई, घर का होम मिनिस्टर कौन है? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है? अच्छा, हर किसी के घर में अलग अलग होता है ना। हाँ। तो आपके घर में आपके हस्बैंड यानी उनकी चलती है? उनकी चलती है लेकिन मैं बखुशी जो जो चीजें मान लूं। हाँ, तो आप जहाँ पे मैंने करनी होती वो उनको पता है ये मेरा कंफर्ट जोन है। हाँ। मैं तो बेसिकली आप अपने घर का होम मिनिस्टर अपने मियाँ को करार देती है? हाँ देती हूँ। हाँ। और दिल में कभी कभी अपनी चला लेती? दिल में नहीं, मैं उसके सामने चला लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी वेरिएशन है ना लाइफ की, जैसे किचन है। हाँ। वहाँ मेरी चलती है। हाँ। गार्डन में मोहसिन की चलती है। हाँ। घर की अरेंजमेंट और आसाइश में हम दोनों की चलती है। अच्छा, तो फिर ये बराबर 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 साहब हुआ ना। लेकिन चूंकि मिनिस्टर साहब के पास होता है बजट, तो उन्हीं की चलती है। तो ये तो है उन्हीं की चलती है, लेकिन बहुत सारी बीवियां अपनी भी चलाती हैं। हाँ। और उनको लग रहा होता है कि मियां चला रहे हैं मगर अंदर अंदर दिल के अंदर हम ही चला रहे होते हैं। जी यही। आइए। हाँ जी, फिर कोई मुकाबला है क्या? मुकाबला है। अच्छा। मुकाबला इस कुर्सी के ऊपर है। अच्छा। जिस कुर्सी के ऊपर पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं उस कुर्सी का मुकाबला है और आज आपने लड़ना है। अच्छा, आपने दूसरे हस्बैंड हैं उनके साथ लड़ना है कि होम मिनिस्टर बेसिकली अंदर से बीवी होती है। मैं बहुत अच्छा लड़ सकती हूँ कि सचमुच मेरा हस्बैंड सामने नहीं होगा, इसीलिए हमने इसीलिए ये रखा है हमने। फिक्र ना करें, ठीक है। दूसरी खूबसूरत खातून को मैं बुलाने वाली हूँ। खूबसूरत इसलिए कि क्या आंखें हैं उसकी, हैं? मैं तारीफ करती हूँ हमेशा, मगर हमेशा वो चश्मे के पीछे आंखें छुपा के आ जाती है और जब वो आती मैं डांटती हूँ लेंस क्यों नहीं लगा के आई। खूबसूरत इसलिए कि उसकी क्या बातें हैं, मज़ेदार बातें करती है, आपके साथ बैठा हुआ बंदा कभी बोर नहीं हो सकता। और ये जो साहिबा हैं इनकी एक्टिंग आपको इतनी नेचुरल लगती है कि ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर ये कर रही हैं ये वाकई वही हैं, मगर ऐसा नहीं होता। घर के अंदर ये क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है, बहुत पहले जब हमने इनका इंटरव्यू किया तो कुछ फूहड़ वाकया हुई थी ये, लेकिन क्या अब ये सुघड़ बन गई है, क्या ये घर की होम मिनिस्टर है या नहीं, या इन्होंने भी चाबी जो है वो मियाँ के गले में डाली है, या बल्कि एक मियाँ है जिन्होंने चाबियाँ खुद बांधी हुई है यहाँ पे, वो प्रूफ करके आए हैं कि वो घर के होम मिनिस्टर हैं। आइए वेलकम करते हैं उरूसा को। उरूसा से देखी सबसे ऑसम होती है, आप कुछ नहीं पूछें, बस बीवी बीवी होती है वो ऑसम। तुम्हारे घर में कौन है होम मिनिस्टर? ये वो तो मर्द है ना। क्यों? लेकिन बीवी ऑसम। हाँ हाँ, बस नहीं, बस बस नहीं, इससे आगे नहीं बात। बीवी ऑसम बस, खत्म। मर्द की कोई बात नहीं, बीवी ऑसम, बीवी ऑसम, बस बीवी ऑसम है, खत्म। ये बस और कुछ नहीं, नहीं पूछना और। समझदार को इशारा ही काफी है, बीवी ऑसम है, घर के होम मिनिस्टर मर्द है, अकलमंद अकलमंद। तीसरी
तीसरी बेगम बड़ी इतनी टॉल है, मैं तो सोच रही थी अल्लाह इसके नाप का लड़का कैसे मिलेगा, है ना, मतलब माशाल्लाह वो मैं हैरान हो रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्हें उनके नाप का मियाँ मिल गया और उनसे लंबा ही मिला है। आइए वेलकम करते हैं। हाँ, मॉडलिंग करती रही हैं, एक्टिंग भी करती रही हैं, अब ज्यादातर मुझे घरदारी करते हुए नजर आती हैं, कभी कभी मॉर्निंग शो में आ जाती है वो बुलाने पर। तो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसी लड़की जो खाना पकाना सीख रही है मगर बहुत बदमजा खाना खिलाती है कभी कभी, ज़ेबा। बहुत अच्छा खाना, अच्छा पका। पहले तो तुम बड़ा बदमजा हो, तुमने खुद ही बताया। मैं आपको पका के खिलाऊंगी, मैं तुम्हारे घर दावत पे आऊंगी, खत्म हो गई बात, मैं जरूर अब खिलाना पड़ेगा, ये इट्स अ हाई टाइम, अब आपको खिलाना पड़ेगा। यस, अच्छा मुझे इंप्रेशन चेंज हो, मुझे किसी ने बताया कि वो उनको इस दावत पे बुलाया तो अचारी चिकन कढ़ाई निहारी सबका टेस्ट एक ही जैसा था, वो एक ही पैकेट के मसाले से बनाया हुआ है। या अब तो कब बताया बाप, कब मैं फ्री हूँ, बस तय करते हैं शो के बाद, डेट तय करते हैं और उसके बाद का हम मिलकर कोशिश करेंगे, शो के दौरान ही तय करेंगे क्योंकि बाद में मुकरना है। हाँ, exactly. इतने सारे गवाह होंगे, इतने सारे गवाह। हाँ, मैं घर का होम मिनिस्टर कौन है आपके? मैं ही हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब आप इतना सब कुछ खुद से कर रहे होते इतने साल, तो फिर शादी के बाद भी ऐसा जितना कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, नहीं। और फिर हस्बैंड अगर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाए कि यू नो वो आपको कंफर्ट देना चाहे, हाँ। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, घरदारी जो है वो औरत खुद ही करे, अपने हिसाब से करे। तुम्हारे मियां कभी कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं, कभी चेंज कर दो, अच्छी नहीं है, सफाई अच्छी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, वो इंटरप्शन करते ही नहीं है, वो बस कहते हैं क्या चीज किस तरह से करनी है, ठीक है ऐसी ही सही है, तुम कंफर्टेबल हो बस, ठीक है। ये हुई ना बात, आज यहाँ पे दो खवातीन ऐसी हैं जिनके होम मिनिस्टर उनके मियाँ हैं, मगर एक ऐसी बीवी है, प्लीज आप तशरीफ रखें, जिनके होम मिनिस्टर वो खुद है, वो ये कहती है, देखना ये है कि या होम मिनिस्टर की कुर्सी कौन जीतता है। आइए जी, हम बुलाते हैं हस्बैंड्स को। जी, तो पहले हस्बैंड जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, समझ नहीं आता कि घर में होम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि कभी वो मुझे लगते हैं होम मिनिस्टर, कभी उनकी बेगम लगती हैं, यानी कि दोनों ही माशाल्लाह डाडे हैं, और दो डाडों में एक डाडा कौन जीतता है कुछ समझ नहीं आती, बहुत फिल्मों में काम कर चुके हैं, गिनती मैं कहती हूँ कि मुझे गिनती भी भूल गई है कि इतनी सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक करते रहेंगे। अब आपको ड्रामों में नजर आ रहे हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं, साथ साथ बेगम को भी संभाल रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारे अपने साउथ भाई। ओए ओए, क्या बात है, इधर आओ, इधर आए, कैसे हैं आप? देखा कितना सादतमंद शौहर है, आती उसने कहा पहले मसाला पीसूं। यार भाई, ये भाई आपके अंदर कुछ चेंज आया है, नए साल के मौके पे कोई नया हेयर कट है या कुछ चेंज है? नया डिफरेंट हेयर कट है, हेयर कट कुछ है, अच्छा लग रहा है। पहले जो चुटिया रखी थी वो ज्यादा अच्छी थी, ऐसे ही होते हैं लड़के, काट दी जहाँ भी ऐसी बहनों कट जाती है। अच्छा भाई, साउथ भाई घर का होम मिनिस्टर कौन है, जवेरिया या साउथ भाई? घर का बेगम ही होती है। बेगम के कितने अच्छे मियाँ हैं, कितनी अच्छी बात मुझे इनकी लगी, घर में बेगम को ही होना चाहिए ना, कितनी अच्छी बात है। यहाँ बेचारी बेगम आके कह रही है सब हमारे घर के होम मिनिस्टर तो मियाँ हैं, है ना, इन दोनों ने बोला ना, मतलब और मैं भी यही बोलूंगी, मेरे मियाँ कहते मासी निकालो ये अच्छी नहीं है, ये खाना क्यों पका है, वो पकाओ मुर्गियाँ क्यों पकाओ, ये चीजें तो खैर वो सारी करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी कहते हैं मासी निकालो बच्चों को सही नहीं संभाल रही, मासी नहीं कहते। लेकिन वो मासियां हमारे है नहीं है सर। अच्छा, ये आपने बहुत ही ठंडा क्लियर किया, नहीं नहीं ये मजा नहीं आया, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्यों नहीं हम लगाना चाहते हैं ना। अच्छा, आज का शो ही है, शुरू से शादी के पहले दिन से ही और अब तक बीवी ही होम मिनिस्टर है या आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने होम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है? नहीं नहीं, वो शुरू से ही है, शुरू से मैं उसको तैयारत दे दी थी। अच्छा, ओ हो, जैसे जरदारी साहब ने आते ही दिए थे। दे ही ना देते। नहीं, जिसकी जगह है उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए, बिल्कुल जी, ये वाली कुर्सी आपकी है, ये आपकी जगह है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन असल मुकाबला यहाँ पे इस कुर्सी के लिए। अभी शुरुआत करेंगे मुकाबलों की। दूसरे होम मिनिस्टर जिनको मैं बुला रही हूँ, वो गाना गा गा के अपनी बीवी को पटा लेते,
तारीफें कर करके शायरी कर करके वो बीवी को मुट्ठी में कर लेते हैं, मगर ये असल में नहीं मैंने जाना अभी तक कि घर का होम मिनिस्टर बेसिकली है कौन, वो या उनकी बीवी। आइए वेलकम करते हैं नुमान जावेद। देखा मैंने क्या कहा था, इधर आए ना, पहले इधर आए। अच्छा क्या? ये गाना हल्का कर दो जरा, बहुत तेज है। हाँ थैंक यू। देखिए मैं आपको इनसे पूछने से पहले, घर की चाबियां इन्होंने वैसे बेगमा जो है कमर पे लटकाती है, इन्होंने यहाँ थाई पे लटकाई जरूरी सारी चाबियों के गुच्छे। देखिए घर का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ। और बाजू में होना चाहिए। और ये घर का इतना काम करते हैं कि चप्पल, जैसे मैं घर में चप्पल के बगैर फिरती हूँ क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बर्डन होता है ना घर की जिम्मेदारी, ये भी चप्पल के बगैर स्टूडियो में चप्पल के बगैर चप्पल एक्चुअली तो थिंग इसके मेरे लिए मेरे रिस्क रोटी की जगह है तो आई डोंट वेयर ऑन स्टेज। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। घर का होम मिनिस्टर कौन है भाई? घर का होम मिनिस्टर बेसिकली तो मैं ही हूँ, लेकिन आई वुड वांट जाना टू बी द वन। कुर्सी आप उनको देना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है घर का होम मिनिस्टर बन के रहना। अच्छा ये खराब हो गया, ये भी ठीक कराओ, ये मसला आ गया, वो इसके पैसे देने हैं, इसकी पगार देनी है, वो सब कुछ करना है। तो आई थिंक विमेन कैन डू अ बेटर जॉब, दे आर मोर इक्विप्ड एंड आई थिंक दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। हम आदमी थोड़े से बिखरे हुए होते हैं, ये वाले नहीं देख रहे कुछ ही कह रहा हूँ भाई, के गलत कह रहा हूँ, मुझे यूं देख रहे हैं। नहीं इनको जाना ने काफी सिमटा दिया है, वरना ये पहले तो बहुत ही बिखरे हुए थे, बहुत बिखरे हुए। हाँ कपड़े भी बिखरे बिखरे, बाल भी और लंबे थे, आयरन मैन बन के आते थे, अब अंगूठियां वगैरह हैं कम हो गई। नहीं नहीं ये तो अभी नहीं, तो साथ चलेगा, ये तो साथ जाएगा। सही है, कराची में मुक्का मुक्का किसी को मारना हो, मोबाइल स्नैच कर रहा हो तो मोबाइल स्नैच कर रहा हो तो साथ ही गोली मार रहे थे यहाँ पे रोकने। हमारी पंजाबी फिल्म ऐसा हो चुका है, अगर ऐसे रोकने अगर कोई टीटी लेके खड़ा हो जाए ना तो ये इनको याद भी जाएगा क्या करना है। उसके ऊपर सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करना है, शोर नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करना है। जी सर जो आप कह रहे हैं प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू जी। अगले गेस्ट को जिनको मैं बुला रही हूँ उनके बारे में कहूंगी कि भाई बेगम बड़ी समझदार चुनी है उन्होंने, और बेगम साथ समझदार चुनने के बावजूद अक्सर हमारे शो पे कभी कभी लगता है कि वो बड़ी डोमिनेटिंग हस्बैंड है, बड़ी अपनी बातें चलाते हैं, मगर बेगम नहीं सुनती इनकी। ये अपनी खुद ही चलाते। आइए आइए वेलकम करते हैं एक बहुत अच्छे एक्टर और हमारे बहुत प्यारे दोस्त नवेद रजा। अक्सर ऐसे मैंने देखा है जब एक बीबी हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है, तो मर्द अपनी मूछे मुंडवा देते हैं क्योंकि वो यंग लगे, वो बॉय लगे, बॉय। आप बेफिक्र रहे हैं, बीवियां ऐसा मौका नहीं आने देती, जैसे कोई तस्वीर खिंचवाने आते हैं गोद में दे देती है बच्ची को। इस साल मैंने जितनी भी अपने फैंस के साथ तस्वीर खिंचवाई है उसमें सबने मनाल मेरी गोद में। तो कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सच से बताएं घर में होम मिनिस्टर कौन है? इस तरह से शुरू करें, ग्रेट वाइज तो अम्मी के बाद मियां बीवी के, अगर मैं चाहता हूँ कमल हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं? यानी कि इन्होंने जो कहा ना कि वो कारपेंटर वाला काम, प्लम्बर वाला काम, वो सारा वो अब्बू करवाते हैं। यार ये कंबाइन फैमिली में अच्छी बात है, मर्दों की जॉब है। मुझे ऐसा लगता है आजकल जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मसला है वो है मासियां, तो वो बीवियां सेटल कर रही होती है, तो वो बड़ा एक मसला है। वैसे आप वो बीवी को पसंद आनी चाहिए शोहर से ज्यादा। हाँ शोहर को तो पसंद आई जाती है, शोहर को पसंद आएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा आपको। कुछ साल ताल्लुक है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। तुमने परेशान नहीं होना है, आज डिस्कस करेंगे इसको, तुम परेशान नहीं हो, परेशान नहीं, प्लीज आइए ना। मतलब बसों का आदमी है जो बीवी को छोड़ के मासी को देखे, देखे जरा। Depends on the मासी। तो सारे मियां बात जॉब क्यों होते हैं? ये मासी टू मासी में बात डिपेंड। सुनो नुमान घर भी जाना है। हाँ सुनो हम। और ये ऑन एयर है शो। और बात सुनो हमारी मासियां माइंड कर रही होंगी, मत करो उनको बुरा लग जाए। एक्चुअली नुमान भाई चाहते हैं सराय की बेल्ट पे ना ये शाहरुख खान बन जाए। फिर ये मेरा खुतबा होगा। ये पड़ा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा चलिए जी, आइए मुकाबला आप लोगों के दरमियान शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आप लोगों से कुछ कुछ जरा टिप्स लेंगे कि कामयाब जिंदगी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है।
उसके लिए तो आपको दोष हो, मिर्चें चबानी पड़ती हैं, एग्जाम में पड़ी हैं। कभी किसी किसी को लहसुन भी चबाना लोहे के चने भी चबाने। एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद हम मुकाबला शुरू करेंगे इस कुर्सी के लिए, जिस कुर्सी के लिए हर पॉलिटिशियन लड़ रहा है। घर में भी इस कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही होती है, अनदेखी लड़ाई, मगर वो यहाँ आप देख पाएंगे क्योंकि बीवियां किसी और की हैं और मियां किसी और की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं करना चाहिए तो उसकी मर्जी। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड का राज है, मेरा नहीं। मेरी वाइफ का राज है लेकिन बात मेरी मानी जाती है। हस्बैंड का ही सब कुछ है, उनके दम से सब कुछ है और कुछ नहीं है, बस जिंदगी, बस ये है मुख्तसर जिंदगी बस। मेरे हस्बैंड का राज है मेरे घर पे, मेरे घर पे मेरा राज है। राज तो नहीं है लेकिन अब्बू के डिसीजन फाइनल होते हैं। मेरे घर पे हम दोनों का राज है। मेरे घर पे मेरी बीवी का राज है। मेरे घर पे मेरा राज है। हमारे घर पे अम्मी का राज है। टोटल कंट्रोल हमारा ही है घर पर। मेरे घर पे मेरी वाइफ का राज है। मेरे घर पे मेरा राज है। और एक तरफ है बीवी वाले, लड़के वाले, लड़कियां वाले, मियां वाले, वाले, ये इन्होंने आज नए दो सूबे बनाए। मियां वाले, मैं मियां वाले सूबा है। और जो लड़ाई है, जो जंग है, वो इस कुर्सी के ऊपर है। कौन बनेगा करोड़ कुर्सीपति? कौन बनेगा कुर्सीपति? घर का होम मिनिस्टर, ठीक है ना। आप लोग इतने इंतजारी से आपने कह दिया बीवी को ही होना चाहिए, आपने भी कह दिया बीवी को, आप ही कहते हैं कि बीवी को मैं बनाना चाहता हूँ होम मिनिस्टर, और यहाँ इन्होंने तीन कसारी ही दिखाई और उन्होंने कह दिया मियाँ है हमारे घर में इन दोनों ने, और उन्होंने कहा साफ भाई बीवी को होना चाहिए घर का, मगर यहाँ ये इंकसारी नहीं चलेगी, यहाँ जंग चलेगी, जंग तभी मजा आएगा ना। तो यहाँ बीवियाँ कह रही हैं कि उन्होंने ये कुर्सी जीतनी है घर के होम मिनिस्टर की, और मियाँ कह रहे हैं कि उन्होंने ये कुर्सी जीती। अच्छा, अगर यही मसला है तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे करना जी करें क्या पास। अगले में गुड वन, गुड वन, गुड वन, अगले में हाथ उठा के नहीं कह देना, कहना है गो टू बाथरूम। खाना पकाना क्यों नहीं आता है आजकल की लड़कियों को सही से, जैसे हमारी अम्माएं बनाती थी? शाम आए मेरे घर, इंशाल्लाह ताला शाम ने पूरे घर का। देखिए ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी बीवी को नहीं आता तो पूरी दुनिया की खवातीन। जी हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपनी बीवी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो अपनी बीवी का नाम ही नहीं लिया, मैंने ओवरऑल बात की कि आज तय कर लिया कि हमें खाना बनाना नहीं आता। मैंने आप लोग का नाम लिया, ये खाना तीन डिशेस एक जैसी बनाती है, तीन डिशेस में कमाल कमाल। देखिए एक रक्षा रोको अपनी, आप इनके साथ हैं कि आप एक्चुअली मैं न्यूट्रल हूँ, मगर जो बीवी वाला जो खून है वो जोश मार मार के उधर बह जा रहा है। यासर भाई कॉल लाइन ले लें, जरा कॉल मिला लें फिर। देखिए पहली चीज मैंने आप तीनों का नाम ले लिया, पहली चीज मैंने आप तीनों का नाम ले लिया, मैंने अपनी बीवी का नाम लिया, जनरल बात। बीवी बरादरी से ताल्लुक, बीवी बरादरी से हमारा ताल्लुक से जवाब देना ऑनेस्टली चाहूंगी। ये सवाल बहुत पुराना है, पहले तो मैं अपना दामन साफ कर लूं, निदा यहाँ मेरी गवाह खड़ी है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूं। लेकिन मैंने भी खाया
मैं एक जर्नलाइज आंसर देने की बात कर रहा हूँ. हमारी मदर्स थी ना, वो 20% वर्किंग लेडीज थी, 100 में से 20. आज 80% वर्किंग लेडीज है. उनके पास जरा वक्त कम होता है जब वो शादी से पहले पेरेंट्स अपनी मदर से सीख नहीं पाती. बिल्कुल सही. अभी वो या तो पढ़ रही होती है या फिर वो कॉलेज जा रही है या काम कर रही है. शादी के बाद काम करती है. ठीक है, लेकिन सुने, शादी से पहले भी काम कर रही होती है. बावजूद इसके कि 20% लड़कियों को परफेक्शन के साथ खाना पकाना आता है और 80 को नहीं आता, बावजूद उसके हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज घर चलाते हैं और हमने उसके लिए कुक इजाद कर ली है अपने अपने घरों में. और उनसे तो हमारे बेस्टफ्रेंड होते हैं, हम कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते. हाँ, और उनकी तनख्वाहें भी हम खुद देते हैं. कोई ये ना कहे कि आपने एक बिल्कुल क्लास सर्टेन आपने बिल्कुल वाइप आउट कर दी. कुछ ऐसी भी है जो कहती है बिल्कुल किचन में तो जाना ही नहीं. नहीं तो क्या, नहीं तो नहीं जा रहे. तुम हो मेरे अख्तर भाई है मेरे. तो इन्होंने कहा था ऐसी जगह लेके जाए जहां मैं कभी गई ना हूं, तो मियां इनका हाथ पकड़ के किचन में ले गए. मैंने इनके घर का खाना खाया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा. आपने घर का नमक खाया? नहीं नहीं, जिसका खाया मैं वो कहूंगा ना. आप लोगों ने बुलाया नहीं तो मैं कैसे. सऊद भाई आ जाओ, बस आज आ जाओ, बस अब मुझे भी एहसास हो गया. 4 बजे के बाद हमारा फोन नहीं उठाना. फोन उठाना तुम अभी साथ ही चलो. जीशा की सारी गाड़ियां जेबा की गारंटी नहीं है, बाकी मुझे उनका नहीं पता. जेबा तो होगा ये. मैंने एक ही जेबा का होगा ये कि जेबा ने फौरन यूं कह देना अबे यार भूल गई थी. अच्छा जी, पहला कंपटीशन. या ये कह रही है कुछ खवातीन को खाना नहीं पकाना आता और कुछ मर्दों को ड्राइविंग भी नहीं आती, सही से नहीं आती बिल्कुल. ये बताओ तुम लोग कुछ गलियां गाड़ी के ला रही हो. आप मिक्स कर रही हैं. अब मर्दों को ड्राइविंग आती है, मीठों की बात कर रही हूं उनको नहीं आती. क्या कह रही है इस बात से. आगे चलते हैं, ये पता नहीं कहां जा रहे हैं. जरा पर्सनल हो रहा है. नहीं कंट्रोवर्शियल बात है, वायरल है. खुदा मेरा भी है, बट्टा मेरा भी है. अच्छा जी, अब पहला मुकाबला ये है कि आप लोगों को, क्योंकि आप कहते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, तो होम मिनिस्टर को हर काम आना चाहिए. ठीक है, वो भी सुन ले जो होम मिनिस्टर है, तो उनको हर काम आना चाहिए जो इस मुल्क में होता है, जो इस घर में होता है. तो अगर आप घर के होम मिनिस्टर हैं तो आपको ये चटनी पीसनी है सिल बट्टे के ऊपर, बहुत ही सफाई से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से. और जिसने जल्दी जल्दी चटनी पीस ली वो ये सेगमेंट जीत पाएगा. अच्छा, चटनी है जो जीतेगा वो इससे ऐसे बैठे. आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है. लहसुन और मिर्च से चटनी कौन सी बनती है? यही तो घर के कामों में से काम में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये काम जो है ना, वो मैंने तो पहले ही हथियार डाल दिए थे कि ये तो हममें से बेगम होती है. तो भाई अब नहीं, ये कूद रहे मुकाबला. सऊद भाई मुकाबला, मुकाबला मुकाबला तो फट गया. मुकाबला ऐसे हो जाए कि पीसने का मसला नहीं, हम पीस देंगे. पुरानी आदत है, अब तक भी पीस नहीं आए हो. खाना आप लोगों ने. हां जी सर, इसको आप रखते हैं. जो सही नहीं पीसेगा चटनी, हाँ, उसको एक एक ये पीस खाना पड़ेगा दोनों टीम में से. क्या आप लोग अग्री? बस मिस, कैन आई गो टू बाथरूम? हां जी, आईडिया दे. वही तो आप लोगों का मुकाबला शुरू होता है. शुरू कर दें. हां लेकिन यार मेरी बड़ी ये कैटेगरी कौन है यार? ये आ लिया बीवी बीवी यार, तो पूरा सेट हिल रहा है. कोई बात नहीं, टूटेगा नहीं. टूटेगा तो हम दोबारा. अच्छा चमचे 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 चाहिए चमचा.
जा रही सिल बट्टे को खबर अभी लड़की को कुछ बात हो चम्मच लाओ जल्दी थोड़ी और डालो ना अब देवा को दो देवा देवा को जल्दी चम्मच चटनी अपनी इसमें डाले प्याले में प्याला ही ढूंढ रही थी जी प्याला ये मैंने ये लोग ना भी डाला नहीं हार गए प्याले में डाल ले जरा मैं वहाँ से चेक करवा के आऊँ नमक तो दे दो ताकि कोई नमक दो चखेगा नहीं कोई आप लोग बहुत पर्सनल ले रहे हैं इसको एक में नमक नहीं है बहुत नमक नहीं किसको चखवाओगी जवाब देने से पहले मैं बता दूं एक लॉन दे रहा हूं मैं जहां जा रहा हूं नहीं मर्दों को थोड़ी दिखाऊंगी औरतों को दिखाऊंगी ज्यादा बेहतर चटनी आपको किसकी आंटी जवाब देने से पहले सोच लीजिएगा मैं लॉन दे रहा हूं ना पेरेंट्स को बोले लॉन दे एक मिनट फिर बात करें मेरी नई नई शादी हुई है मेरी नई नई शादी हुई है एक मिनट जी कौन सी चटनी आपको बेहतर लग रही है ओके और आपको भाई साहब अच्छा भाई जितनी भी बहन साहब बहन साहिबा और भाई साहब हैं सब ने कहा है कि बीवियों की चटनी चटनी बनाने के माहिर हैं आपकी यहाँ जरा सेल्फी हो जाए आइए जी सेल्फी खिंचवाइए एक हाँ आप ये बताए अभी डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हैं आपने उन दोनों को खवातीन और जेबा को हजरात क्यों बोला यार ये गलत है यार ये पहले तो नहीं बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ एक सेल्फी होगी हाँ जी रेडी गेट सेट डिस्क्रिमिनेशन ना करें मैं भी आ जाती हूँ ना वैसे तो आप होस्ट हैं लेकिन अंदर से आज आप बीवी चल रही हैं अंदर की बीवी उधर के बाहर पहला सेगमेंट बीवियों की नजर हो गया है बीवियां जीत गई हैं आइए जी अगला सेगमेंट शुरू करेंगे मगर उससे पहले देखना वो मर्द जेंटलमैन ही नहीं होता जो औरत को जीतने ना एग्जैक्टली टिशू हमारे टिशू और जो जीतने देता है वो मेंटलमैन अच्छा आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो कभी बीवी को खुश करने के लिए घर में कुछ बनाया है खाने को हाँ फौरन फोन उठा के ऑर्डर किया एग्जैक्टली और आपने कुछ बनाया आई कैन एक्चुअली काइंड ऑफ कुक तो अभी तक ब्रेकफास्ट एंड खाने की मोहब्बत नहीं नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है मतलब आप पकाते हैं जिम्मेदारी नहीं इट्स मोर लाइक इफ आई वांट टू बनाते हैं और सर भाई आपने कभी कुछ पकाया मैं तो रोज पकाता हूँ दिमाग पकाता हूँ बेगम का बहुत कभी कुछ किचन में जाके पकाया और जवेरिया को खुश किया हो कि बेगम आज कभी भी नहीं देखिए बनाने का प्रॉब्लम नहीं है बना तो देंगे वो खाने वाले कम हो जाएंगे घर से चले जाएंगे सब वैसे बेहतरीन है डाइट प्रोग्राम जो इतना खर्चा करते हैं ना आदमी वो खुद ही बना ले जिसको नहीं आता ना बनाना वो खुद खा नहीं पाएगा ये बेगमात की अपनी बातें शुरू की जीतने की खुशियां मना रहे आप जो पकाती है आपके मियाँ की फेवरेट डिश क्या है जो आप पकाती है मैं जो पकाती हूँ मेरे मियाँ को बहुत पसंद आता है अच्छा फरमाइश करते हैं कि भिंडी बना दो या ये बना दो सब्जियां वैसे तो मासूम आदमी बेचारा दबा हुआ एक औरत आपके सामने लाके यूं रख के कहे कुछ भी रखे खा लो तो वो तो खा लेना है आपको ऐसे बात से बोलो बहुत कह लेंगे वो दिल से तारीफ करते हैं कि बहुत जबरदस्त और एक एक आप सोचे ये आके सामने से पूछे कैसा लगा बताओ ना तो वो क्या बोलेगा आदमी क्या हां जी आप
मिला नहीं है ना अभी, मिला नहीं है आपके मियाँ मिला हुआ है ना। कौन से? एक सुनो ना, बात सुनो ना। आपके मोहसिन को मेरे हर तरह के खाने पसंद है घर में, कभी अब तो छोड़ दिया बनाना, बट चावल अच्छे बनाती हूँ, वो उनकी फेवरेट डिश। और उसे यहाँ क्या कहानी? पहले से बेचारा पास्ता पसंद है उनको, और वैसे जब वो स्पेशली कुछ कहते हैं कि मेरे लिए बनाओ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खराब करती हूँ। मेहमान घर में आ जाते हैं और बीवी को आप कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं समझ रही होती, आपकी एक अंदर से घूरी निकलती है। दो एक्सप्रेशन होते हैं, वो बड़े आसान होते हैं, वो दो एक्सप्रेशन होते हैं, पहले एक याला होता है वो कैमरे में देखकर देख, पहले ये होता है कि, और दूसरा इसे फर्क क्या था भाई? मेरी बीवी सब समझती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। लेकिन कभी अगर बीवी को घूरी देनी पड़े गुस्से से घूरी, तो आप कैसे देंगे? तो देख के दिखाइए। मेरा घूरी देने वाला स्टाइल नहीं है, मेरा मुश्किल होता है कि आई जस्ट गो क्वाइट लाइक दिस। ओ, तो घूरी नहीं देते आप, आपको तो काम ही नहीं है, आप सारा यही काम करते हैं, आई एम लुकिंग अदर वे। अच्छा, और आपको जब घूरी देनी हो देखो ये ऐसे बस। ये खुशगवार जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। खोलो और माफी मांगो। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज कौन बनेगा यहाँ होम मिनिस्टर, इस कुर्सी का, घर का होम मिनिस्टर। का जो रिजल्ट है वो ये कहते हैं कि बीवियां ही होम मिनिस्टर होती हैं। ब्रेक के हमारी चेयर है। ब्रेक के दौरान सर मैंने मुझसे पूछा क्यों आप खवातीन वाले काम करा रही हैं, इनसे भी तो ठुकवाए ना, हथौड़ी से कोच बल्ब ठीक कराए, पंखा ठीक साफ करवाए, बल्ब से मारना, अच्छा एक मिनट, हम पूछते हैं खवातीन से कौन से ऐसे मर्दों वाले काम है जो आप कर सकती हैं? सारे बता दो। फॉर एग्जाम्पल सारे चेंज करना, घर के, अच्छा कॉकरोच साफ करना, छिपकली कमरे में आ जाए तो मोहसिन सबसे पहले बाहर और मैं छिपकली के पीछे, और ड्राइविंग मैं पूरा दिन मैं गाड़ी पे, ताकि मुझे इतने बड़े बड़े इल्जाम का सामना करना पड़ा। सवाल क्या सवाल है कि ओवरलैपिंग बात कर रहे हैं, अच्छे से ओवरलैपिंग, जैसे अब हमारे घर एक बड़ी जीप है, अब जब मैं वो चलाऊँ ना तो मौसम बकायदा जो मजाक उड़ाने के अंदर सारा शहर हैरान होता होगा आलिया कि बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल रही है, कहने का मकसद तो हो नहीं जाती हो, बावजूद इसके बच्चा पिक करना उतारना रखना ग्रोसरी एवरीथिंग
माजी ने पहले बशीर थे आप। सारे काम जो इन्होंने बताए ये सारे काम मैं खुद और हर लड़की करती हूँ, मुझे पता है ना लड़कियों प्लस ड्राइविंग के साथ मैं फायरिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, इतनी अच्छी गोली चलाती हूँ। और जेबा को जो जेबा निशान है मेरा परफेक्ट वाला, जेबा को तो कद का एडवांटेज भी है, जलेबी साफ कर लेती है घर। हाँ यस यस मैं खुद करवाती हूँ। मतलब अभी आप पता है ऊंट की आंख में सुरमा भी लगाएंगे, ऊंट की आंख लगा लेगी आप में। अच्छा माइक दीजिए, आप भी सुने जरा उरुसा को, उरुसा को दीजिए और म्यूजिक लगाइए। मैं इतनी उरुसा क्या मर्दों वाली काम कर जैसे ये है, वुड लाइक टू बी हर वन डे एंड हर एज वेल, अगर वो कह रहे कार्बन कॉपी है, लेकिन मैं छिपकली नहीं भगाती, मैं बाइक चेंज कर लेती हूँ, मैं गाड़ी चला लेती हूँ। लेकिन एक्चुअली सवाल ये कि कौन कहते हैं कि ये मर्दों का काम है खाना पकाना, औरतों का काम है या क्यों ये मर्दों का काम है, मर्द बेचारा सिर्फ क्या हथौड़ी कील मारने के लिए, समाज को बदलने की, मुझे और तुम्हें बदलने, समाज को भी बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या बात है, अच्छा अच्छा अब मर्दों की बारी है तो खवातीन जो इनको बोलने देंगी, ठीक है ना, अक्सर बोलने हमें तो बोलने नहीं देते, नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग बोलने देना, तुम लोग अपना दिल बड़ा, गंदे बच्चे ना हम, अच्छे बच्चे जी। नवेद आप क्या खवातीन वाले काम कर सकते हैं? मैं अपना पूरा कमरा सेट करता हूँ, मैं चादर भी बदल लेता हूँ, डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा कर लेता हूँ। बीवी वाले काम तो बीवी का डांस मतलब आप अगर घर सेट कराने की बात करें, सफाई कराने की बात करवाएं, बाथरूम धोने की बात करें, तो मैं उसमें परफेक्ट। ओह वाह जी, क्योंकि बाथरूम मैं नहीं हूं। आप क्या करते हैं नमान? मैं इतना अच्छा बाथरूम धोती हूं, सुनो सुनो मैं मेकअप बहुत अच्छा कर लेता हूं, मेकअप हां, मैं नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगा लेता हूं, ठीक है, और नाश्ता अच्छा बना लेता हूं उन्हों को उठाने के लिए, और ऐसे करते हैं क्या नाम है, हां हां बिल्कुल, वो बाल भिगो के मैं तो कर भी सकता ना, मैं वो कर लेता हूँ। आप एक बार देखोगे तो चाहे यहाँ बांध के बाथरूम से बाहर आ सकता हूँ। सो ये ना आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, बस बस जलपरी थोड़ी है, नुमान है यार, क्या हो गया, ये जलपरी है, जली हुई। अच्छा जी अब सौरभ भाई आप क्या कर सकते हैं? मैं तो जब कोशिश करता हूँ कुछ करने तो गुस्सा आता है कि भाई इनको रखा क्यों था मेट्स को, मैंने करना था सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही आप लोग क्या क्या करते हैं, मैं ये कह रही हूँ क्या क्या कर सकते हैं, देखिए बताना पड़ेगा दिल से, दिल से ये थोड़ी सी गमली की सफाई, चुगली बहुत अच्छी कर सकते हैं, दाऊद बताना पड़ेगा, मशहूर है इस काम में चुगली में, हम चुगली भी कर सकते हैं गॉसिप, मुझे हाँ ये है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीजें सीधी, वो अगर नहीं होती तो मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा मतलब कि सेटिंग वेटिंग कपड़े तय करके, कपड़े तय करके रोटी भी पका लेता। अच्छा ये चीज मुझे रोटी भी नहीं आती, एक चीज और मैं स्त्री भी कर लेता हूँ, मुझे किसी और की स्त्री पसंद नहीं। कपड़े धो सकते हैं आप, ये तो बहुत धोने बहुत अच्छी बीमारी होती है, बहुत अच्छी बीमारी है। अगर गलती से शूटिंग के दौरान कोई लिपस्टिक का निशान शर्ट पे लग जाए तो वो धो सकते हैं? शर्ट फेंक के आते हैं आप तो, लेकिन लेके नहीं आते, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, संभाल के रखता है, संभाल के रखता है, डिग्गी में गले लगा के कह रहा होता काश तुम होते, गाड़ी की डिग्गी में जरूरत है, धोते क्यों नहीं हो? यार मैं ड्राई क्लीन अच्छा तो अभी आपको यही काम करना है? नहीं ये एक मिनट, इस किस्म का इसमें गद लगा हुआ है, ये हमारा इम्तिहान है कि सर्फ का इम्तिहान है? ये डिटर्जेंट आपको दिया गया है जी जी, और अपनी मेहनत से मुशक्कत से आपने इसका निशान, पूरी कोशिश करनी है कि छूट जाए। हम कोशिश करेंगे शर्ट ही गायब हो जाए। ऐसे तो और आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को करना है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उठानी पड़ेगी। I will help you. मैं खुद यूनिटी जा रही हूँ। हमें यार ये देखें मर्द ये कर सकते हैं, ये खवातीन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हम जेंटलमैन है ना। नहीं नहीं हम जाहिर नहीं चाहते मैं तुम लोगों की मौजूदगी में। हाँ खड़े होना पड़ेगा, बैठ के कौन कपड़े धोएगा? और अगर हमारे कपड़े खराब खड़े होके भी हाथ नहीं जाएगा, इतना कम पानी। कंजूसी काहे को बाबू, देखो एक्चुअली हमारे एयरलाइन में टैंकर आता है, जैकेट उतारनी पड़ेगी, इसलिए हम जरा पानी कम कम इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत आदत है पानी बचाने की, मेरे घर में भी टैंकर आता है जी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ यार क्या करें, बस रेडी यार, ये किसने पहनी थी ये शर्ट? हाँ भाई क्या तुम क्या क्या
ज्यादा नहीं, ये बस ये इस शर्ट को मेन होल जो है ना एयरवे का वहां से घुमा के लाए ज्यादा गंदा। ओके जी, रेडी गेट सेट एंड गो, योर टाइम स्टार्ट। पहनी होगी, जिंदा हुए होंगे फिर डेथ हो गई। बहुत बहुत माशाल्लाह से साफ सुथरे लोग जी, ये शादियों पे बरी नहीं दिखाते। अच्छा नहीं, एक बार ही बनाते, एक बार तरीका हो। नहीं आप कैट वॉक करके ना क्या? ओके, ये जितनी बुरी ये धुली है ना, इंतहा है भाई। अच्छा भाई मैं भाई मैं सब पीछे जेबा आ रही है, सब पीछे हो जाओ, जेबा आ रही है, सब पीछे हो जाओ। कितना बुरा हाल है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं ये भी हो रहा है, ये हो रहा है। यार ये देखिए, मेरी 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 जैकेट। अच्छा भाई आपको क्या लगता है, मर्द हजरात ने ज्यादा अच्छी शर्ट धोई है? या खवातीन ने ज्यादा अच्छी शर्ट धोई है? नहीं नहीं, मर्द हाँ, एक स्टेप बनते हैं, एक स्टेप बनते हैं, एक वॉक वॉक ऑफ फेम, नहीं स्टेप प्लीज। घर के होम मिनिस्टर वो भी कपड़े धोने में सोची, मैं कैसे लूं आप सेल्फी में, मैं थोड़ी आऊंगी। आप आए ना, आप उनके सेल्फी में नहीं आए थे? उनके सेल्फी में आए थे आप? सॉरी मैं मियां कभी बन ही नहीं सकती। ओके ओके, अब लें, चलिए आप खींच लीजिए हमारे पिक्चर, हम जीत रहे, रेडी। मुझे बहुत यार ये क्या किया, खुद ही बना ले भाई, लाएं हाइट खुद ही बना ले भाई, तुम्हारे जीत। हां जी, तालियां। जेबा ने ऐसी शर्ट धोई है कि मेरा तो कपड़ों से दिल उड़ गया है। बाजी मैं अब कल से काम पे नहीं आऊंगा, आपके कपड़े बहुत गंदे होते हैं। ओह माय गॉड।
मैली शर्ट थी मेरी सबसे। अच्छा यहाँ आज हमने ये साबित किया कि आपके घर में अगर मेड शर्ट भाग जाए तो प्लीज हायर प्लीज। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई यहाँ मर्दों ने बड़ी सफाई का वो कहते हैं ना मुजाहिरा किया। काम मेरे सारे आते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि नहीं आता है। काम बताते नहीं अगर आता हो, नहीं तो लोग करा लेते हैं। नहीं बताना भी चाहिए यार, क्यों पीछे पड़ गई? अरे हमारे कपड़े खराब होंगे तो फिर तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा अगर मैं मर्दों से पूछूं, अरे एक मिनट, मेरी एक रिंग बाल्टी में रह गई। क्या? मेरी रिंग बाल्टी में रह गई। भागो बाल्टी वाले, ये भी गेम हो गया। निकाल के लेकर आओ, वो तो नाले, रिंग होगी ब्राउन कलर की, वो नाले में जाएगा पानी। चला गया तो अच्छा जी, अच्छा जी मेरा अगला सवाल है, मैं होस्ट हूँ, मुझे बोलने दो। आपको ऐसा कब अंदाजा हुआ कि आज आप होस्ट हैं? मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं गोस्ट हूँ। अच्छा जी आपके घर में सुघड़ दादा कौन है, आपकी बीवी या आप? दोनों ही। दोनों है? और फुआड़ कौन है दादा? दोनों ही है। ऑफ कोर्स नहीं नहीं, फुआड़ तो बंद है। मैं नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं नहीं। आपके घर में सलीका शार है? सलीका शार आई थिंक जाना ही है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट। एक और है भाई, एक और है। एक और है यार, भले दो दो और है। मेरा चूते रह गया बाल्टी, लाल वाली और एक ब्राउन वाली। देख लो मेरे गुर्दे फिफड़े, कोई और चीज। हाँ भाई घर में जाना है ज्यादा सलीका शार। आई थिंक यस बिकॉज मैं थोड़ा सा गंद में बैठ जाता हूँ, बट अच्छा साफ सुथरा बहुत, लेकिन होता ना कि सामान ऐसे पेमेंट पे तो बहुत नीट बर्दाश्त कर लेते हैं। और आपके घर में कौन है, जवेरिया या आप? लेकिन कोशिश मैं भी बहुत करता हूँ सुगड़ होने की जी। यहाँ कोशिश क्यों होते हैं? यहाँ लड़की तुम्हारे घर में कौन सुगड़ है? घर की चीजों में वैसे माशाल्लाह सब चीजें वो ही कर रहे होते हैं, मतलब एज इन के ही इज मच मोर बेटर, मतलब सलीके में। मैं पूछ सलीके में भी, हां ही नाइस, ही लाइक्स टू कीप इट नाइस इन एवरीथिंग, बट वो खुद नहीं करते, वो खुद नहीं करते। आपकी स्टोरी सुन के, आपकी स्टोरी सुन के गाइस भाई क्या बताऊं, मीटिंग का कंटेंट दे दिया बस। जी आलिया आपके घर में कौन सलीका शिफ्ट दादा? मियां है सा आंसर है, हम दोनों ही हैं। हां दोनों, हां दादा ऐसा होता है कि बात अजीब पार्टी, क्योंकि मुझे लगता था कि लेकिन सलीका शॉर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से अपने कामों में ऑर्गेनाइज तरीके से, जो सिर्फ लड़की के काम होते हैं उसमें तो हम शुरू से ऑर्गेनाइज है क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हुई भी अच्छी। लेकिन एक सलीका शॉर जब आप शादी कर लेते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होना। कहने का मकसद आपकी अलमारियां साफ होती हैं या नहीं होती? जबरदस्त, 15 दिन में एक दफा होना है या नहीं होते? नहीं तो जिंदगी का अलमिया यही है कि ये सब सही होते, धुले हुए होते हैं, बाली आपकी नहीं होती। ये नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मुझे क्यों बुला? बल्कि निदा मैं तो डस्टर और पोचे जो कपड़ा होता है वो भी एक महीने में चेंज करवाती हूँ, इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। हर महीने या डेढ़ महीने में चेंज करो सारे। रूसा कह रही है कि उनको क्यों बोल रही है शो भी। अच्छा ये उधर बैठा हो और जो डस्टर के बाकी कपड़े होते हैं वो हर 2 दिन के बाद धुलते हैं। अक्सर बचपन में तीन औरतें तीन कहानियां जब पढ़ता नींद आ जाती थी। भाई आपने सवाल किया, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद देखिए कि अगला सेगमेंट का विनर कौन होता है। हमारी ये कुर्सी जिसको हम ये कह रहे हैं कि घर का होम मिनिस्टर कौन बनेगा, इस पे कौन बैठ के सेल्फियां खिंचवाने वाला, अगले सेगमेंट में रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
पाकिस्तान यहाँ मुकाबला हो रहा है मियाँ के दरमियान और बीवी के दरमियान, और मुकाबला है सिर्फ इस कुर्सी पे जो घर की कुर्सी है जिसका नाम है कौन बनेगा घर का होम मिनिस्टर। और अभी तक एक सेगमेंट में बीवियाँ जीती हैं और एक सेगमेंट में मियाँ जीते हैं। देखना ये है कि इस सेगमेंट में कौन जीत सकता है। वैसे अक्सर घर में हस्बैंड बातों से जीत जाते हैं, अक्सर घर में बीवियाँ बातों से जीत जाती हैं और अपना कायल कर लेती हैं हस्बैंड को और उनके घर वालों को। अब आपने भी कुछ ऐसा ही करना है आप दोनों ने। यहाँ होगा ये कि फोन आप लोगों के बराबर रखा है, कौन पहले शुरू करेगा मियाँ या बीवी? आप लोगों को करना ये है क्या करना है? ठीक है, आप लोगों को करना ये है कि फर्ज करें ये मियाँ है, फर्ज करें ये मियाँ है और मियाँ जो है वो फोन पे किसी से अपनी बेगम की बुराइयां कर रहे हैं और सामने से बेगम आ जाएगी तो मियाँ बात कैसे पलटेंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा वहां पे भी ऐसा होगा, वहां जो फोन है उस पर बीवियां अपनी अम्मी से या घर में किसी भी दोस्त से अपनी घर के फोन से मियाँ की बुराई कर रही है और सामने से मियाँ आ जाएगा तो आपने बात कैसे बदलनी है। कितनी अच्छी बातें खवातीन बदलती हैं, कितनी अच्छी बातें मर्द हजरात बदलते हैं, इस चीज पर मुकाबला है और इनाम भी उसे मिलेगा जो हमारी जजेस वोट करेंगे। ज़ेबा से शुरू करें। चलें जी। नहीं ज़ेबा से नहीं, मेरे अच्छा चलो शुरू करते हैं नवेद से। देख लो कितनी और रूसा बीवी बन जाती है नवेद। नहीं ना आलिया, ये ना आलिया, आलिया आप अच्छा, आलिया इज द बेस्ट, आलिया आलिया और साउथ भाई। ठीक है आलिया बीवी आप मियाँ एकदम आ जाएंगे सामने, सर भाई मियाँ एकदम आ जाएंगे। अच्छा फोन पे इससे बात रेडी, अभी आपने आने है शुरू होता है जी। You have to चल बुराई तो शुरू शुरू कर जी। बिस्मिल्लाह अल्लाह मैं क्या बताऊँ किस अजाब में फंस गई है, कब दिन शुरू होता है कब रात हो जाती है पता नहीं चलता है। इस इंसान ने तो मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, कोई काम मैं घर का ढंग का नहीं करती हूँ। अरे मैं कहती हूँ मैं सोने की बन के सामने खड़ी हो जाऊँ, एक लफ्ज़ तारीफ का मुंह से नहीं निकलता। खुदा की कसम मैं तो कहती हूँ नाले वाले बाबा के पास जाऊँ, कोई प्लीज कोई दम दरूद कराऊँ कि इतना अच्छा मियाँ सभी को मिले। अरे मैं तो अपनी छोटी बहन के लिए झोली फैला फैला के दुआ करती हूँ कि मैं कहती हूँ आप जैसा मियाँ ना सबको मिले। नहीं नहीं मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ आपसे ही बात कर रही हूँ जी 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 जी, मैं हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ। थैंक यू। रखो फोन, फोन रखो, मैं पहले आपकी नज़र उतारूंगी फिर कोई और बात करूँगी। भाई बड़ा अफसोस है, असल में ये है ये। हाँ जी क्या बेचा है आपने? आ जाती दूसरी बीवी। नहीं ना उधर से, अच्छा उधर से एक करते हैं। चलो नवेद और उरूसा, ठीक है नवेद मियाँ है और बीवी जो है वो उरूसा साहिबा बन के। इसीलिए हमसे वादा किया गया कि ऊपर उठ के चलो। ओके टॉपिक भी देते हैं। अच्छा दिमाग खराब हो गया, मैं 10,000 दफा कह चुका हूँ कि चादर को बिल्कुल सही रखा करो, जब चीजें उठाओ वो वहीं रखो, इतना मुश्किल तो नहीं होता ना। आप कितनी आसानी से कर सकते हैं कि आपने जो चीजें उठाई है वहीं रख दें, कितना टाइम लगता है मुझे समझ नहीं आता। इस औरत का मसला क्या है यार, किसी किसी गूंगे बहरे को इतनी अच्छी बात पता है क्या है उसकी, जो चीज जहां रखती है वो परमानेंट कर देती है, उसके बाद वहां से उठाती नहीं है। और चादर तो हमारे कमरे में ऐसी रहती है कि चादर हमारे कमरे में बिल्कुल ऐसी रहती है इसका उसका मुंह फ्लैट एक्सप्रेशन ही नहीं होता, बहुत प्यारी है। अच्छा अभी मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी का टाइम नहीं जाया करना चाहता, मेरी बीवी मेरे सामने है। दोस्तों से तो आदमी हर वक्त बात कर लेते हैं ना, बीवी सामने आ जाए तो नो नो। हाँ भाई यहाँ से सेकंड कहानी शुरू होगी ज़ेबा की। इन्होंने मुझे धक्का दे के कहा है कि गेम है और खेलना है, नहीं भी आता तो भी करना है। हाँ अच्छा ठीक। हाँ क्या हाल है तुम्हारे यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि मेरा मियाँ मेरे सामने फोन उठाता क्यों नहीं है। मैंने 10 दफा उसके जो है ना कॉल लॉक्स चेक करने की कोशिश की, सब डिलीट होता है। सच बोल रही है यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये गलत हरकत है, ये गलत हरकत है। कंटिन्यू कंटिन्यू। और बस वो जो कोड है ना कोड, बस मैं चाहती हूँ कि एक दफा ऐसा एंगल बने कि कोड मैं रीड कर लूँ किसी तरीके से, बात करें और फिर बस। और क्या मुझे iPhone 6 ही तो बोला था मैंने। यस 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 वही मिलेगा इस दफा मुझे, बिल्कुल है ना।
iPhone 6 मैंने इजाजत दी थी iPhone 6 की. iPhone 6 किससे बात करी है iPhone 6 की? हाँ ये फोन ही हटा देना मैंने. मतलब मुझे आगे से पता चल रहा है कि iPhone 6 पेड़ पे नहीं उगते पैसे. आपने ही तो कहा था कि iPhone 6 गिफ्ट करेंगे इस दफा. जाओ अपनी माँ की तरफ चलो. बहुत अच्छे जबरदस्त भाई. iPhone 6 मियाँ जो है वो फोन पे बुराइयां करें बीवी की और सामने से आलिया. पहले तो सोच भाई वो कोई 10-1 मिनट दे जरा नंबर मिला. पहले जमाने में लोग इतने फारिग थे. देखना जरा ये अगर किसी ने जीरो मिलाना है ना ये देखो जीरो. टाइम नहीं आज के दौर में तो भाई चले फिर भी मिला लेता हूँ. किसी को नंबर मिलाते हुए आप बात ही भूल जाए ना क्या थी. वो बोले हाँ भाई क्यों फोन किया था. अरे हम भूल गए हमने कब फोन किया था. अरे कल करेंगे भाई कल करेंगे. यार बहुत तंग आया हूँ मैं. यकीन करो दिमाग की दही कर देती है बोल बोल के. इस कदर सुबह सुबह निहार मुझे टैंक 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 भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. बहुत बोलती है भाई. हाँ उसके बाद शाम को अरे भाई खाने में इतनी मिर्चें वैसी लगाती है ऊपर से खाने में. सोचो जरा आप क्या करे बंदा. नहीं नहीं बहुत मुश्किल है. और जबान तो माशाल्लाह से ओहो जबान तो ऐसी है दुपट्टे की जरूरत नहीं. बुराई अच्छा गुना जड़ जाएंगे. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं बिल्कुल भूर परी जी बिल्कुल परी लग रही है. सॉरी बात कर रहे हैं कर लीजिए. बहुत माशाल्लाह से सुगड़ बिल्कुल बहुत नेक. हाँ बहुत सलीके पूरा दिन लगे रहे ऐसे ही. बहुत अच्छी है. हाँ हाँ चलो मैं बाद में बात करूंगा मैं. हाँ हाँ बिल्कुल ओके. कैसे फोन बंद हुआ बेगम यकीन कर रहे हैं आप ही की तारीफें कर रहा था. जी अंदाजा हो रहा है तभी जल्दी फोन बंद हो गया. नहीं रुके पहले मैं नजर उतार के. बड़ी पक्की है बेगम आज. हाँ ये बहुत पक्की है. मैं तो यही तरीके से भाई ना हम लोग गप्पे मारते हैं. अच्छा इस बहाने गुना जड़ेंगे जड़ेगा के. जी भाई अब बारी आ गई उरूसा जो है वो बेगम है. आज नवेद जी जरा सी भी नींद नहीं ले सकती मैं. जरा सी भी नींद नहीं. रात को देर से सोते सुबह देर से उठते लेकिन लेकिन हर वक्त मैं पांव दबाती रहूं सब कुछ करती रहूं मैं क्या करूं मम्मा. उन्होंने बाथरूम इतना अच्छा धोया मेरे आंसू निकल आए. मामा आप इतनी आपकी बेटी इतनी खुश नसीब है. जिस तरह वो कमोड साफ करते जिस तरह वो पोछा लगाते अल्लाह नजर से बचाए. मामा मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में. मामा से बात कर सकता हूँ? क्या करेंगे जी. नहीं ना हम बात करते नहीं. हमेशा के लिए सुला दूं? नहीं पूरी नहीं होती. मामा आई लव यू. मामा बहुत ही अच्छे आदमी. आई लव यू. आई लव यू टू. सब हो गया ना. कोई रहते नहीं नुमान रहे. नुमान फोन मिलाइए सो जाए. आ जाओ भैया. नहीं तो मैं तो बाद में आऊंगा. बाद में आना. आप कल आना. वही नहीं जाओ. हाँ यार इट्स अजीब है मैन. शी इज ऑलवेज रीडिंग बुक्स. इतनी किताबें मतलब एक इंतहा होती है भाई. किताबें अगर दो चार चीजें इधर उधर पढ़ी है एक ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर होता है. बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप मैन. नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ ये चीज ना रखो वहाँ ये चीज ना रखो. यार अजाब में जिंदगी पड़ गई. शादी नहीं करनी. मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी अपनी लाइफ के अंदर. तो हाँ तू बता यार तेरे वाली अच्छी है भाई. तेरे वाली अच्छी है. तूने शादी नहीं की ना अभी तक. वो अच्छी रहेगी. अच्छी रहेगी चलती रहेगी. बाबा आटा ले जा. नहीं यार वो सही है. हाँ डायमंड रिंग 2 लाख. कुछ नहीं यार बीवी से भड़के थोड़ी. कर दे. हाँ सच में. हाँ बिल्कुल क्योंकि घर में भी रहना ना. हाँ बिल्कुल. कितने कैरेट का होगा? 2 लाख में आ जाएगा कोई. वो तो अगर जी कलर होगा तो आई थिंक एक कैरेट नहीं थोड़ा सा बजट बढ़ा लो. क्वालिटी गिर जाती है ना. वीवीएस 1 4 लाख दो नहीं 4 लाख. गरीबों की ख्वाहिशें सुनो जरा. हां और ये बीवी वो लगी जो किसी रिसेप्शन पे आई हुई थी कि कमरा है.
ये फोन अब लड़ाई में अच्छे इस्तेमाल होते थे ना ब्रूसली वाले। मैं मारूंगी, आज पिट के जाओगे तुम। अच्छा जी, इनको सेबा मार दे। हां हां, क्यों नहीं, एक मिनट। मैं अब इंडिविजुअली नजर उतारने वाला सबसे ज्यादा इंडिविजुअली पूछूंगी और फिर पता चल जाएगा कि ज्यादा वोट किस तरफ गए। ठीक है, आलिया आलिया जीत गई। रूसा नवेद नमान साउथ भाई ये दोनों जीत गए। हाँ हाँ, ये दोनों जीत गए, दोनों बेस्ट थे। आप दोनों सेल्फी खींचे। हाँ भाई, तो क्या करें, वैसे इनकी बहुत सारी साथ। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा तालियां उधर बजी हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, हां साउथ भाई, साउथ भाई ये दीदी और मैया की तालियां सही हो गई। हम जीत गए, हम जीत गए। नहीं, एक मिनट, होस्ट बात कर रही है ना, आप कुछ सुन रहे हैं, बात कर रही है। मुकाबला बेसिकली होम में से बनने का है। नो डाउट बीवी ने भी बहुत अच्छा खेला है, मगर यहाँ तीनों का मुकाबला हो रहा है ना, कि तीनों का बराबर होना चाहिए। वहाँ ज्यादा वोटिंग अच्छा। एक मिनट रुके आप लोग, फिर से दफा ताली बजाओ। अच्छा एक मिनट, अब मैं एक साथ पूछती हूँ, खवातीन के लिए तालियां, खवातीन जीती है या मर्द हजरात जीते? बराबर टीम भी कह रही है और मुझे भी लग रहा है कि इन लोगों के ज्यादा। आइए बैठिए प्लीज, हालांकि बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने। यार एक सेकंड ऐसे करके बैठिए, हमारी तस्वीर ये होगी नहीं ऐसे वाली होगी। हाँ जी, सेल्फी खींच लेना भैया। हाँ जी, रेडी, तालियों के साथ। जी क्या बात है। अच्छा अब अगर मैं पूछूं आपसे, फोन पे असल जिंदगी में कितनी देर तक मियां से बात कर सकती हूँ? फोन पे नहीं बात कर सकती मैं, एक मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी नहीं, आधा मैसेजेस बस, और मियां से नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से। मैं फोन पे आधे मिनट या एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करती। तुम भी नहीं? मैसेज। आप अपनी बीवी से, असल बीवी से फोन पे कितनी देर बात कर सकते? एक घंटा, आधा घंटा। आधा घंटा, एक घंटा आराम से कहाँ, घर में रह के? नहीं नहीं, घर में फोन पे बात करूंगा यार। और आप बाहर निकल के आधा घंटा एक घंटा फोन पे बात करते हो? कहाँ हो आदमी, यहाँ के हो? बिग पास बात करते हैं, इनकी शादी नहीं हुई होती या जिनकी नई नई हुई होती है। हाँ क्या कर रही हो जी? कुछ खाया? मैं भी आपसे बात करूंगी मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा क्योंकि उसके बाद जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें डिसाइड होगा कि असल में होम मिनिस्टर कौन बना है, क्योंकि अभी तक पलरा भारी, पलरा होता ना, पलरा भारी मर्दों का है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हां ना, दो गेम जीत गए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान, यहाँ ये
मियाँ बड़े खुश हैं क्योंकि ये दो दफा जीत चुके हैं और बीवियाँ गप्पे लगा रही हैं। वापस आ गए हमारे, हमें बहुत बोलने की आदत है। ये सब इनसे वापस दिलवाएं, ये चीटिंग कर रहे हैं, पहले से अलग किया हुआ है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं हार्ट बनाया है तो चावल कुछ भी नहीं। देखो इसने हार्ट, बीवी ने हार्ट बनाया, इसने मोहब्बत में हार्ट, मैंने हार्ट बनाया। आप लोगों के सामने दाल चावल रखी, बड़े शौक से खाते होंगे जाहिर है। दाल चावल बहुत शौक से। दाल चावल के साथ लवाजमात में क्या खाते हैं? अचार, चटनी, प्याज, कचूमर। आप लोग क्या खाते हैं दाल चावल के साथ लवाजमात? सैलेड, प्याज, नींबू। मैं कबाब अगर आ जाए ना, साइड दाल चावल, कीमा, आलू, पापड़, शामी कबाब, उसमें बॉयल अंडा भी होता है चने की दाल में। शामी कबाब बन हो जाए, शामी कबाब तो आउटस्टैंडिंग है ना। दाल चावल एक अच्छी डिश बन जाए। अब आपको करना ये, हमारा दिल चाह रहा है, आपको आइडिया दे दिया, अब आप दाल चावल पे एक शो। आज हमारा दिल चाह रहा है दाल चावल बनाने का। एआरवाई में दाल चावल पकेगी, मगर अगर आपने दाल अलग की और चावल अलग की तो मिक्स कर दिया सारा काम। आज हम आपसे करवा रहे हैं, पहले हाथों से अगर कोई दाल चावल सुनो ना, अब तक चिपचिप कर रहा है। हाँ जी, तो आपको करना है कि दाल अलग चावल अलग, जिसने ज्यादा क्वांटिटी में दाल और चावल अलग कर ली वो टीम जीत जाएगी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी, आपने कभी कुछ अपनी बीवी के लिए बनाया है घर में? बहुत कुछ बनाया। होम मिनिस्टर कौन है आपके घर का? बीवी क्या बनाते हैं, क्या अच्छा बनाते हैं? ये पराठों में पाकिस्तान का नक्शा अच्छा बनाते हैं। पराठों में पाकिस्तान का नक्शा अच्छा बनता है। हाँ जी, और क्या बनाते हैं? और ऑमलेट बना लेते हैं, कीमा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा बना लेते हैं कि नहीं? अच्छा बनाते हैं, हरी मिर्ची कीमा। और ये क्या अच्छा बनाते हैं सबसे ज्यादा? ये सब कुछ अच्छा बनाते हैं। सब कुछ अच्छा बनाती हैं। आप इनकी किस चीज के फैन हैं? यानी इनके आंखों के फैन हैं, इनके बालों के फैन हैं, इनके खाने के फैन हैं? एहसास का, एहसास बहुत करती हैं। एहसास के फैन है भाई, क्या बात है, एहसास जिंदगी का। जी, कभी भाई जो हैं कुछ अच्छा बनाते? चाय हमेशा यही बनाते, चाय हमेशा यही बनाते हैं। अच्छा, आपकी तारीफें करते हैं? हाँ, क्या कहते हैं जरा तारीफ, आप क्या तारीफ में क्या कहते हैं? बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बेहतरीन। नहीं, इनकी तारीफ में क्या कहती हैं तुम्हारी जैसी? आप क्या कहते हैं इनकी तारीफ में? तुम्हारी जैसी कभी देखी नहीं और दूसरी हो ही नहीं सकती। माशाल्लाह, चाय के दिखाए ना, हाँ, चाय बहुत अच्छी बनाती, बेहतरीन चाय बनाती कि आदमी बहुत ही अच्छा, यानी चाय पी, खाने पीने में भी बहुत ही अच्छा बनाती बहुत। हाँ जी, आपसे पूछें जरा, ये आप इनकी तारीफ कर सकते हैं अपनी बेगम की? इतना सोच क्यों रहे हैं? अगर मैं कहती किसी और लड़की की तारीफ करें, आराम से कर देते। बहुत अच्छी है, माशाल्लाह खूबसूरत है, और 20 साल से तारीफ ही कर रहे हैं। हाय हाय, कोई एक बुराई बता दें अच्छा इनके अंदर। गुस्सा बहुत करती है, गुस्सा बहुत करती है। चले जी, सही, मैं अब यहाँ पे आ गई। जी, खाने पकाने के बारे में बताएं? नहीं, अपनी बीवी की कोई तारीफ करके बताएं। बजाय तो खुद तारीफ है, ऊपर से नीचे तो माशाल्लाह खूबसूरत है, हसीन है, दिल में है। और अगर हमारी तारीफ अगर पूछा जाते हैं तो आप इनसे पूछें, ये खुद बताएंगे। चलिए जी, आप अपने मियाँ की तारीफ बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और कोई काम बोल दो जरा हेल्प कर दो एकदम और यहाँ आप लोगों का टाइम स्टॉप हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6,
चावल का है भाई। चावल बोले देर से थे ना, हमने किए ही नहीं। अच्छा चावल का ही बता। लाओ भाई दिखाओ अपनी दाल चावल, बस कर दो और जाया करो, बस कर दो। ये हो गए दाल चावल, जीत गए हम लोग यार। थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू। आ जा, चले माइक ले ले भाई। वो देखो, अभी तक निकाल रहे हो, देखिए अभी तक निकाल ली चावल। नहीं नहीं, चेक करो, चीटिंग बेईमानी हो रहा है। ये हो गए चीटिंग बेईमानी। जीत गए आप लोग, जीत गए मुकाबला। देखे साल, अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले से निकाल के रखे। एक बंदी ने मुझे प्रेशर डाला हुआ था, मैंने चेक किया, जीत गए आप लोग। नहीं टाई नहीं हुई, ये देखे दो, हम ये जीते, दो ये जीते। ये मर्दों ने निकाले चावल और ये खवातीन ने। खुदा ये दो नंबर कम हो गया सर। दो जीते, दो ये जीते, टाई हो गया ना। ये खवातीन ने निकाले और ये मर्दों ने। ठीक है, खुश हो तो अभी हमारे प्रोग्राम में कितना टाइम है? टाइम है हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट है बस। 3 मिनट है, 3 मिनट में आपने आंखों पे काजल लगाना है। काजल किधर है? तुम लोगों ने अपनी आंखों में देखो, तुम्हारा पर्स कहाँ है? जेबा टाई हो गए, काजल का देखे टाई रहने दे और एक अच्छे अच्छे मैसेज ले ले। चलो ठीक, टाई हो गया, चलो ठीक है। ये कह रहे हैं टाई, तुम मेरे बराबर ना खड़े हो, अगर बहुत लंबी हो कॉम्प्लेक्स का शिकार। आप ये बात करी, एक ड्रामे में मेरे साथ हीरोइन थी, सोचे मेरा क्या हुआ होगा। ये सारे वक्त यूं ही खड़ी रही होगी ये। एक्चुअली ये जो इतना गुस्सा आता है ना, ये उसी वक्त का है। अच्छा, जमा हुआ भाई यहाँ पूरे यूं देखा मैंने, हो जाती ना इनसे बात में। बाद यहाँ खड़े करके जाता था, 4 इंच ऊंचे एक्स्ट्रा जल लगा के। हाँ जी, तो यहाँ अजीब सा कुछ रिजल्ट निकला है, बहुत टाई हो गया बीच में। मतलब बीवी क्योंकि मियाँ और बीवी साथ साथ रह के ही अच्छी जिंदगी। और आज वो बात साबित हो गई कि मियाँ बीवी एक हो गया, पंचिंग लाइन आ गई है। ये कितना सूदिंग काम है ना, मतलब सारी टेंशन छोड़ के पूरा दिन घर में यही करने वाली हूं। इतना अच्छा लग रहा है। ये ले जाओ फिर, आपने सही ले जाओ, प्लीज ये ले जाओ, पूरा दिन में लगी रह सकती हूँ। ये ले जाओ और छान के। अच्छा होस्ट जो है ना, वो निदा यासर है, खुदा का जी निदा बोले जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि इसके ऊपर, ये कौन बनेगा घर का होम मिनिस्टर, इसके ऊपर एक एक लाइन आप लोग बोल दें तो हम खुदा हाफिज कर देंगे और ऑडियंस को ये बता देंगे कि हम मंडे को मिलेंगे आपसे, क्योंकि जब ये बोलना शुरू होंगे तो मैं खत्म नहीं करवा सकूंगी। इसलिए अपनी सारी बातें मैं पहले कर दूं, खुदा हाफिज मंडे को मिलेंगे। हाँ बताओ। नहीं नहीं, मैं बोल चुकी अपनी लाइन, आप बोलें। क्या बोला था, रिपीट करें ना। इस चेयर पे आकर हाँ, कोई एक नहीं बन सकता क्योंकि बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है और दोनों लाजिम और मंजूम है। दोनों मिलकर ही एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं। जी आ गया, बिल्कुल मैं इन दोनों के साथ एग्री करती हूँ कि घर हमेशा दोनों पहियों के साथ साथ चलने से ही बनता है, लेकिन बेहतर हो कि एक पहिया हमेशा डोमिनेट करे लाइक बीवी। घर के अंदर बीवी को डोमिनेट करना चाहिए क्योंकि घर बीवी से बनता है और मर्द का काम है कमाना, घर को सपोर्ट करना, बेहतर फाइनेंस अरेंज करना देना। और मियां घर की अरेंजमेंट में डाइनिंग टेबल चीजें ये वो बोला। संडेस को ड्राइंग रूम साफ करना मर्द का काम नहीं। अच्छा जी ऐसा भाई, आप इतने गुस्से में करने लगे। मैसेज बड़े अच्छे मैसेज है। नहीं मैसेज देना था, ख्वाहिशात नहीं बतानी। मेरे बाबा कहते हैं संजीव साहब भाई, देखिए घर, घर का मतलब है कि एक घर होना चाहिए और उस घर में कोई भी एक दूसरे में अगर सबकत ले जाए तो इसमें हार जीत नहीं होती है, बल्कि वो अपने मियाँ की इज्जत बढ़ाती है बीवी और बीवी की इज्जत मियाँ बढ़ाता है। तो दोनों को साथ मिलकर जिंदगी गुजारनी चाहिए और अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें जी। बस देखिए वो कहते हैं ना कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, इट्स मोर लाइक एक साथ की फीलिंग घर में भी होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ घर की बात आए तो मेरा पर्सनल अपनी एक सोच है दैट आई वुड वांट माय वाइफ टू बी द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड जस्ट बिकॉज़ आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर। वेरी गुड, आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर जी। लेकिन जब घर की बात हो रही है तो घर होता है, देखिए फैमिली, फैमिली में कोई भी डोमिनेंस नहीं होती, सब साथ होते हैं, साथ चलते हैं तो फिर मजा आता है। हां तो फिर मजा यही है क्योंकि फैमिली की बात आ गई तो फैमिली में कुछ बड़ा छोटा नहीं, कुछ ऊंच नीच नहीं, तो बस इट्स फैमिली, तो फैमिली को इस तरह से एंजॉय करना चाहिए। अगर आप मेरा परसेप्शन पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है हर कपल में किसी चीज में बीवी तेज होती है और किसी चीज में मियां तेज होते हैं। आपको सरेंडर कर देना चाहिए। अगर मियां को लगता है कि इस चीज में बीवी
बॉडी की ज्यादा पावर है, वो ज्यादा इस चीज में सोचती है, अच्छा और बेहतर कारकर्दगी दिखाती है, तो वो शिफ्ट कर दे अपना वो फैसला बीवी के हाथ में। और अगर बीवी को लगता है कि मेरा मियां इस चीज में ज्यादा डोमिनेटिंग अच्छा लगेगा और उसको आता भी है ज्यादा, तो वो भी सरेंडर कर दे और मियां के हाथ में वो कुर्सी पकड़ा दे। स्टेटमेंट यही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हर कपल में डिफरेंट डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, सबके इंडिविजुअल बात है। घर में जैसे कोई कुछ अच्छा करता है, कोई कुछ अच्छा करता है, तो जो अच्छा करता है उसको क्रेडिट दें और वो करने दें बिल्कुल। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, मुझे पता प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन जरूरी है कि मियां और बीवी एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता है और उसकी मिसाल हजरत आदम अलैहि सलाम और बीवी। तो इसकी बड़ा एहतराम करना चाहिए। शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब मियां और बीवी के बीच बुरी बात है। इसी तरह यहाँ मस्तियां होती रहेंगी, बहुत खूबसूरत प्यारा रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता। तो इस साल क्योंकि मैंने प्रोग्राम शुरू किया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन से, इस साल आपस में ये वादा कर लें, लड़ेंगे कम, प्यार ज्यादा होगा, मोहब्बत ज्यादा होगी और एक साथ फैसले किए जाएंगे। घर की होम मिनिस्टर कभी बीवी को बना दे, कभी मियां बन जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मिलेंगे।